नमस्कार, बदरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहेली रजनी कालरा। निर्भया गैंग रेप के चारों दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध की माफी नहीं है, लगता नहीं ये गुनाह इस दुनिया में हुआ है। चारों दोषी विकृत मानसिकता वाले हैं, ये धरती पर रहने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाते ही कोर्ट में तालियां बजना शुरू हो गई। हाँ देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट में पूरा एनालिसिस किया है इवेंट्स का, और जिस हिसाब से मेडिकल एविडेंस को लेते हुए, इवन डीएनए टेस्ट को लेते हुए और डाइंग डिक्लेरेशन को लेते हुए, फिजिकल इंजरीज जो उस पर हुई उसको लेते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट शोज द परवर्सिटी ऑफ द माइंड, डेप्रेविटी ऑफ द माइंड, और जिस एग्रेवेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट और रेयर इवेंट में आता है, तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की उसको अपहोल्ड किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर की है। निर्भया के पिता ने कहा कि अब हमें कोई शिकायत नहीं। उनकी मां ने कहा कि फैसले से संतुष्ट हूं, अदालत ने मेरी बेटी के दर्द को समझा। इस फैसले को मैं बहुत अहम ले रहा हूं कि ये फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, और जिस तरह से ये घटना भी एक अजीबोगरीब थी वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। सर थैंक यू। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। सर एक चीज, तो निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। हर किसी ने फैसले की तारीफ की। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि फैसले में लंबा वक्त लगा लेकिन इंसाफ हुआ है। दोषी के वकील ने फैसले के खिलाफ अपील की बात कही। मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के सिस्टम देख करके, 5 साल तो बहुत छोटा समय है, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ 34-35 साल तक जाता है कोई निर्णय लेने से पहले घिनौने काम के लिए, तो 5 साल हाँ लंबा समय है, कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया। लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकवादी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुम सेना के जासूस हो और अगर आगे तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ये वीडियो कब का है, किस जगह का है, ये साफ नहीं हो पाया। वीडियो में पुलिस ऑफिसर के बाल काटे जा रहे हैं, उसे लाठी से पीटा जा रहा है, उसका सर बाल्टी में डुबोने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में हिजबुल और लश्कर के आतंकियों के होने का दावा भी है। पुलिस ऑफिसर को साउथ कश्मीर में एक अज्ञात जगह कैद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जगह जगह बैंक लूटने वाले आतंकी आरिफ का पोस्टर लगाया गया है। आरिफ पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम रखा है। 2 बैंक ही अब तक लूट चुका है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की कई वारदात सामने भी आई है। उत्तराखंड के रुड़की के पास आज से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 2 दिन का कार्यक्रम शुरू होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस से जुड़ा संगठन है। 2 दिन के कार्यक्रम में करीब 300 मौलवी शामिल होंगे। गौ हत्या, गंगा रक्षा, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। मुसलमानों से गाय का मांस ना खाने, गाय को गोद लेने की अपील की जाएगी। गौ रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। मदरसों में आधुनिक पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा।
यूपी के एटा में दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग घायल हैं, इनमें से कई की हालत गंभीर है। एक ट्रक में 40 लोग सवार थे, आगरा लौट रहे थे, अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आई, ट्रक बेकाबू हुआ और रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। लोगों का आरोप है कि वक्त पर मदद मिलती तो कुछ और बच जाते। 2 घंटे बाद मदद मिलने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया, मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा और घायलों को 50,000 रुपए। विमान मंत्रालय ने हवाई यात्रा में बर्ताव को लेकर तैयार किए रूल्स ड्राफ्ट को पब्लिक किया है। नो फ्लाई लिस्ट रूल के मुताबिक अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने पर 3 महीने तक हवाई यात्रा पर बैन लग जाएगा। ये बैन फौरन लागू होगा। मारपीट करने पर 6 महीने और ऐसा बर्ताव जिससे एयरलाइन स्टाफ की जान को खतरा हो 2 साल तक हवाई यात्रा पर बैन होगा। पटना के अलग अलग थानों में जब्त शराब का स्टॉक कम हो गया। मालखाने में रखी करीब 9 लाख लीटर शराब गायब है। पूछने पर पुलिस ने दलील दी कि चूहे शराब पी गए। मामला सामने आया तो एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। बिहार में शराबबंदी है। कल ही बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव को पुलिस लाइन से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। यानी एक तरफ पटना के थानों में रखी शराब कम हो रही है और दूसरी तरफ शराब के नशे में पुलिस वाले गिरफ्तार हो रहे हैं और फिर पुलिस ये तर्क दे रही है कि चूहे शराब पी रहे हैं। टैक्सी में दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी खूब चर्चा हो रही है उसकी। देवेंद्र कापड़ी नाम के टैक्सी ड्राइवर ने एक पैसेंजर की गोल्ड ज्वेलरी, लैपटॉप, आईफोन, कैमरा और करीब 4,000 कैश से भरा बैग वापस लौटा दिया। पैसेंजर मुबशर वानी का ये सामान गलती से टैक्सी में छूट गया। बुधवार को देवेंद्र ने मुबशर वानी को एयरपोर्ट से पहाड़गंज छोड़ा था। देवेंद्र ने मुबशर का सामान एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन पर जमा करा दिया। बैग में 8 लाख रुपए की कीमत के अहम दस्तावेज भी थे। वानी को उसका सामान मिल गया है। सभी ने देवेंद्र कापड़ी की ईमानदारी की तारीफ की।